बैक टू राखीज यूनिक फूड। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से मुंह में घुल जाने वाली मिठाई। काफ़ी डेलीशियस और जबरदस्त लगती है और ये झटपट से बनके तैयार हो जाती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। गेहूं के आटे की मिठाई बनाने के लिए गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे एक चम्मच घी। डालने के बाद घी को मेल्ट कर लेंगे। जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा जब हम इसमें डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा। साथ ही में हम इसमें डालेंगे दो चम्मच सूजी यानी कि रवा। ये डालने के बाद धीमी गैस पर कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनेंगे। हमें इसे जब तक भूनना है जब तक इसका कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इस प्रोसेस में हमें 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट हो गए और जो आटा है वो हमारा भून गया है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने गैस पर रखा है पतीला। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप चीनी। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी। अब मैंने यहाँ पर ली है 2 इलायची खोल के। इनका काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। ये डालने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए धीमी गैस पर हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से चीनी है वो हमारी मेल्ट हो गई है और चाशनी में एक बॉयल आने लगा है। अब हम धीमी गैस पर 5 मिनट के लिए चाशनी को कुक करेंगे। हमें इसकी चिपचिपी सी चाशनी बना के तैयार करनी है जैसे हम नॉर्मली रसगुल्लों के लिए बनाते हैं। तो इस तरीके से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी है वो बन के तैयार हुई है या नहीं। तो इस तरीके से अंगूठे और उंगली के बीच में हम रखेंगे तो हमें लग रहा है कि चिपचिपाहट सी हो गई है। तो इसका मतलब है हमारी चाशनी वो बन के तैयार हो गई है। बस हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको साइड कर देंगे। अब इधर जो आटा है वो भी हमारा ठंडा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। आप यहाँ पर अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये डालने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से हमारी जो मिठाई है वो काफी सॉफ्ट बनती है। अब मैंने यहाँ पर लिया है घर की मलाई। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मलाई डाल के इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। यहाँ पर आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल लीजिएगा। उससे आपकी जो मिठाई का फ्लेवर है वो काफी दुगना हो जाएगा। हमें जितनी मलाई की जरूरत लगेगी उस हिसाब से हम इसमें डालते जाएंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डो है वो लग के तैयार हो गया। इतने से डो को लगाने में हमें आधा कप मलाई लग गई थी। तो अब मैं इसमें से मीडियम साइज की लोई तोड़ लूंगी और हाथों की सहायता से चिकना करके इसकी बॉल जैसी बना के तैयार कर लूंगी। तो इस तरीके से हमने इसकी बॉल है वो बना के तैयार कर ली है। अब हम इस तरीके से इसके बीच में उंगली प्रेस कर देंगे। हमें छोटा सा होल बना के तैयार करना है। तो इस तरीके से हमने होल बना दिया है। अब मैंने यहाँ पर ली है चम्मच। अब मैं चम्मच के पीछे साइड से इसमें डिजाइन करूंगी। आप चाहें तो इन्हें गोल गोल ऐसे ही बना सकते हैं लेकिन डिजाइन बनाने से ये थोड़े खूबसूरत दिखते हैं। इस तरीके से हमें इसमें डिजाइन बनानी है। हल्के हाथों से करना है हमें ये प्रोसेस। तुम्हारी एक डिजाइन है वो बन के तैयार होगी। आप देख सकते हैं वाकई काफी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसी तरीके से दूसरी बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से सभी डिजाइनें हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रखा है। यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सभी डिजाइनें जो तैयार की हैं वो रख देंगे इसमें। यहाँ पर आप याद रखें जब आप इन्हें फ्राई करें तो धीमी गैस ही रखिएगा। धीमी गैस पर इनको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से भी काफी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इस तरीके से सभी जो डिजाइन है हमने ऑयल में डाल दी है। अब हम उन्हें 1 से 2 मिनट के लिए धीमी गैस पर ऐसे ही फ्राई होने देंगे। 1 से 2 मिनट हो गए और ये जो हमारी डिजाइन है वो फ्राई हो गई है। अब हम इन्हें चम्मच की सहायता से हल्का चला देंगे बीच में। अब इन्हें फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे क्योंकि एक तरफ से तो सिक गई हैं लेकिन एक तरफ से थोड़ी कच्ची रह गई हैं। तो इस तरीके से हम चम्मच की सहायता से इन्हें पलट देंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इन्हें पलटने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए फिर से फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। ये दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इनको ऑयल से बाहर निकाल के डायरेक्टली चाशनी में डालते जाएंगे। जब आप इन्हें चाशनी में डालें तो जो आपकी चाशनी है वो हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे और चाशनी में डाल देंगे। तो एक बैच हमने फ्राई करके चाशनी में डाल दिया है। हम इसी तरीके से दूसरा वाला बैच फ्राई कर लेंगे। तो जो हमने डिज़ाइन तैयार की थी आटे की वो डाल देंगे और डालने के बाद फिर से 1 से 2 मिनट के लिए ऐसी धीमी गैस पर फ्राई होने देंगे। ये काफ़ी डेलीशियस और ज़बरदस्त लगती है। रियली गाइस मुंह में जाते ही घुल जाती है, पता भी नहीं चलता ये आटे से बनी है। तो एक बार आप अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएगा आपको कैसी लगी। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो इसी तरीके से दोनों तरफ से फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल के चाशनी में डाल देंगे। तो इसी तरीके से सभी हमने फ्राई करके चाशनी में डाल दिए हैं। अब हम इन्हें ढक के 10 मिनट के लिए ऐसे ही चाशनी में छोड़ देंगे। 10 मिनट के अंदर ये काफ़ी अच्छे से चाशनी को अब्जॉर्ब कर लेंगे और फूल के दुगने हो जाएंगे। तो इस तरीके से 10 मिनट हो गए हैं और हमने इन्हें सर्व करके ले लिया है। अब हम इन्हें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी डेलीशियस और जबरदस्त बनके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मुंह में घुल जाने वाली बड़ी डेलीशियस और जबरदस्ती मिठाई गेहूं के आटे से बनके तैयार हो जाए तो बात ही कुछ अलग है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, काफी पसंद आने वाली है। सो गाइस आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं अपने चैनल पर ऐसी न्यू रेसिपी बनाती रहती हूँ तो उन सभी के लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन स्क्रीन में दे दिए हैं, तो आप इनको भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।